सबसे पहले मैं अजय दीक्षित हीरो मैं प्रदीप भाई साहब को जो है उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड जस्ट प्रे टू गॉड वो स्वस्थ रहें हेल्दी रहें अच्छा काम करें इंडस्ट्री को ऊंचे आयाम तक ले जाएं। आपकी बहू आने वाली फिल्म बाहुबली 2 अभी एक हिंदी में आ रही है बाहुबली 2 उसने बहुत पहले ने धमाका किया तो आपकी भोजपुरी फिल्म बाहुबली मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बाहुबली शब्द जो है इंडस्ट्री में हम लेके आए थे 2008 में हमारी पहली आई थी बेटवा बाहुबली उसके बाद 8 साल बाद हम जो है बेटवा बाहुबली पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। ये एक संयोग की बात है कि हम दोनों साथ में आ रहे हैं आगे पीछे और हमारी फिल्म के बाद बहुत सारे बाहुबली शब्द आए ये हमारी फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर उस समय थी और आज भी ये फिल्म जो है बहुत ही कमाल की बनी है 10 गाने हैं गीत संगीत एक्शन कमाल का है। 21 तारीख को पूरे बिहार झारखंड में 100 सिनेमा हॉल से डॉक्टर सुनील साहब रिलीज कर रहे हैं जो है बस दुआ कीजिए पीछे चल जाएगा। बड़े बड़े अखबार में आपके इंटरव्यू छपे हैं क्या कहना चाहेंगे दैनिक जागरण और बड़े बड़े अखबार में आपके इंटरव्यू छपे आपके फिल्म के बारे में प्रमोशन बहुत ज्यादा हुआ इस फिल्म के लिए क्या है मतलब क्या एक्सपेक्ट है मतलब बाहुबली को आप बीट करना चाहते हैं हिंदी के। देखिए क्या है कि मेरा एक्चुअली मैं शुरू से बहुत कम फिल्में करता हूँ अभी तक मैं आई थिंक सो 8-9 साल में मैंने अच्छे अभी फिल्में किया तो साल की 2 या 3 फिल्में करता हूँ मैं बहुत ही सिलेक्टेड हूँ चूजी हूँ बट जो काम करता हूँ दिल से करता हूँ और हमारी जितनी फिल्में आती हैं वो पूरे जोश खरोश और जोर शोर से आती है। रात सवाल की क्या हमारा कंपटीशन है हमारा किसी को कंपटीशन नहीं हमारा कंपटीशन अपने आप से होता है। रात सवाल की मेरा क्या किरदार है तो भाई साहब ने पूछा तो उसके हिसाब से आपको जाके मूवी देखनी पड़ेगी मैं अपने किरदार के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि अब भोजपुरी बहुत जल्द आने वाले कुछ सालों में हिंदी के लेवल में आके खड़ी हो जाएगी। नहीं डेफिनेटली जो है क्या होता है परिवर्तन संसार का नियम है और डे बाई डे हर चीज़ हर जगह चेंज होता है तो अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे वो जो एक परंपरा है कि वो गायक ही नायक बनेंगे ऐसा नहीं है हमेशा अच्छे लोग कदर होती है देर आएंगे दुरुस्त आएंगे ऊपर वाले के यहाँ देर अंधेर नहीं है तो हर जगह बदलाव होता है अच्छे डायरेक्टर आएंगे अच्छे प्रोड्यूसर आएंगे अच्छे मेकर आएंगे तो चेंजेस तो लाजिमी है। संजय ने काफी समय दिया इस फिल्म के लिए प्यार बहुत किया है क्या कह रहे हैं देखिए वो हमारे बहुत ही प्रिय हैं हमारे भाई जैसे हैं हमारी हर फिल्म को प्रमोट करते हैं बेटवा बाहुबली से लेके ये बाहुबली 2 तक का जो है उनका सफर रहा है जो है तो उनके साइड से जो बेस्ट होता है उनकी क्या पूरी विसन टीम विसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की फिल्म है सबकी तरफ से जो है हर एक ये एक जो फिल्म होता है एक टीम वर्क होता है किसी एक का नहीं होता है हर आदमी अपने अपने किरदार में जब तक वो अपने पूरी मेहनत से अपना किरदार अदा नहीं करेगा वो चीज़ सक्सेस नहीं मिलता है। बाहुबली 2 में एक्शन किस तरह का है जैसे हिंदी में जो रिलीज हो रही है साउथ की बाहुबली 2 कुछ उस तरह का एक्शन देखिए वो बाहुबली 2 के बारे में ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्राफिक्स वहाँ पर ज़्यादा होगा लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा जो हमारे भोजपुरी ऑडियंस है उनके लिए कमाल की बाहुबली है वो कहीं से किसी बाहुबली से कम नहीं पाएंगे वो कहीं से निराश नहीं होंगे ये मेरा वादा है। देखिए अभी हम सेंसर बोर्ड ऑफिस ही आ रहे हैं बेला जी से मिल के हमने रिक्वेस्ट करके अभी जाके सीसी हमारे हाथ में आई है बिकॉज जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया सेंसर बोर्ड में हर एक आदमी परेशान था जो और ये ऑनलाइन सिस्टम से हमारी हिंदुस्तान की पहली बेटवा बाहुबली मूवी है जो ऑनलाइन सिस्टम से सेंसर हुई है इसके पहले कल एक इंग्लिश मूवी हुई थी और आज पहली है हिंदुस्तानी एक हिंदी समाज की मूवी भोजपुरी फिल्म है जो ऑनलाइन सेंसर हुई है ये भी अपने आप में इतिहास एक रिकॉर्ड है। थैंक यू सो मच थैंक यू सर।